आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड। वक्त रात के 8:10 हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो हफ्ते का साप्ताहिक जो एक कर्फ्यू है उसे अब से 8 बजे शुरू कर दिया गया है, जो कि सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। इस समय हम बिल्कुल घुमट मोड़ पर हैं, जहां पर टूवर्ड्स रास्ता जो है वो प्रेस क्लब या फिर विक्रम चौक की ओर जाता है, वहीं दूसरी ओर बिल्कुल ठीक साथ में यहां पर बस स्टैंड भी है। यहां पर पुलिस स्टेशन की गाड़ी खड़ी है, PCR वैन है जो लगातार यहां पर अनाउंसमेंट कर रही है। नवाबाद पुलिस स्टेशन की यहां पुलिसकर्मी है और खुद यहां मौके पर SHO भी स्पॉट पर है और तमाम लोगों को ये हिदायतें दी जा रही हैं। उसके अलावा अगर आप PCR की गाड़ियां देखेंगे वो भी लगातार तमाम बाज़ारों में जो है वो राउंड करके अनाउंसमेंट कर रही हैं। और क्योंकि ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से ट्वीट आया था, उससे पहले ये इंश्योर हो गया था कि आज रात 8 बजे से नाइट कर जो वीकेंड कर्फ्यू है वो लगेगा, जो कल जो है रविवार पूरा जो है वो लॉकडाउन रहेगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज छोड़कर और कोई भी जो शॉप्स हैं वो नहीं खुलेंगी। तो फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए हैं और देखते हुए कि जो भी लोग गुजर रहे हैं, कई लोग क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा शादियाँ भी हैं तो उनके लिए अगर वो अपना वेडिंग कार्ड जो भी आता है शादियों का इनविटेशन कार्ड वो दिखाते हैं, उसे एज ए कर्फ्यू पास की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके अलावा जो भी कोई ऐसे सड़क पर घूमता हुआ मिलेगा तो उसे यकीनन रीज़न पूछा जाएगा कि क्यों बाहर हैं, क्योंकि रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा, कोई ढील नहीं है उसमें। पूरी तरह से मार्केट जो है वो बंद रहेंगी, सिर्फ कुछ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई शॉप्स को ही एग्जम्प्ट किया गया है। और उसके अलावा जो लोग वाहनों से भी कल के दिन जो सड़कों पर दिखेंगे उनको भी स्पेसिफिक रीज़न देना होगा वो क्यों बाहर हैं। तो साफ तौर पर ये जम्मू के घुमट के हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की लगातार गाड़ियां जो हैं अनाउंसमेंट्स कर रही हैं और जो भी आ जा रहा है उन सबसे पूछा जा रहा है। उसके अलावा मार्केट्स जो हैं पूरी इस समय ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, लोगों को पता था कि संडे को जो है वो कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा तो उसको देखते हुए मार्केट्स पहले ही बंद हैं। जो लोग निकल रहे हैं उनसे कड़ाई से पूछा जा रहा है कि किस वजह से वो बाहर हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया कि शादियां भी हैं काफ़ी, आज कई बारातें निकली हैं, कई बैंक्वेट्स में जो है वेडिंग फंक्शंस चल रहे हैं, तो वहाँ के लिए यही हिदायतें हैं कि जो भी लोग जा रहे हैं उनको अपना इन्विटेशन कार्ड वेडिंग का वो दिखाना होगा, उसे ही एज ए कह सकते हैं कि कर्फ्यू पास की तरह ट्रीट किया जाएगा आपके पास। और ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग अगर सड़कों पर हैं उनसे रीज़न पूछा जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने एक साइड जो है वो बंद कर दी है और दूसरी तरफ गाड़ियाँ जो हैं पूरे बाज़ार में हर ओर सायरन करके कर्फ्यू का ऐलान यहाँ पर होता हुआ ये विजुअल्स हम आपको गुम्मट मोड़ पे बता रहे हैं। कई सारे होटल्स भी हैं यहाँ पर, इसके अलावा जनरल बस स्टैंड बिल्कुल ठीक साथ में है यहाँ पर और पुलिसकर्मी जो है खुद यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी हर ओर जा रहे हैं और यही हर किसी से इस समय गुजारिश की जा रही है कि ये स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, इसको फॉलो करवाना है। और एडमिनिस्ट्रेशन साफ तौर पे यही चाहती है कोविड के केसेस में जिस तरह से लगातार स्पाइक देखने को आ रहा है वो स्पाइक उसमें थोड़ी कमी आए, ये लॉकडाउन असरदार रहे और इससे कहीं ना कहीं नतीजे जो हैं वो कोविड के जो लगातार आ रहे हैं उसमें कमी देखी जाए। जिस तरह के यहाँ पर देख सकते हैं आप अंदर के इलाके हैं, कई लोग खड़े हैं, इसकी भी पाबंदी है, लोगों को बाहर नहीं निकलना है, इट्स अ कंप्लीट कर्फ्यू है, आपको बाहर नहीं आना है। यहाँ पर होटल्स हैं कई और कई लोग इस समय बाहर हैं और ठीक 8 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। रिस्ट्रिक्शंस हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में लगी हुई हैं। अगर हम लखनपुर से बात करें, तमाम जम्मू रीजन कश्मीर रीजन तमाम जगहों पर ये कर्फ्यू लागू रहेगा, कोई भी जगह इससे अछूती नहीं है, सारी जगहों पर ये कर्फ्यू चलता रहेगा। थोड़ा मैं वॉकिंग डिस्टेंस में आपको जनरल बस स्टैंड की ओर लेके चलता हूँ, वहाँ के विजुअल्स देखते हैं कि किस तरह के हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक यहाँ पर साथ में जनरल बस स्टैंड है और कहें कि दूसरे राज्यों के लिए जो बसेस जो हैं वो यहाँ से लगातार लोग लेते हैं, उन्हें मिलती रहती हैं। और एक दिन का ये कर्फ्यू है, जिन लोगों ने जाना है बाहर उनको जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, वो जा सकते हैं। जो भी अवेलेबिलिटी है स्टेट की बसेस की वो लखनपुर तक चल रही हैं और लखनपुर के बाद आगे
दूसरी जगहों की ओर आगे के लिए कन्वीनियंस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग भी साथ साथ पे की जा रही है, कंप्लीट बैरिकेटिंग कल के दिन के लिए तैयारी रखी जा रही है कि पूरी यहाँ से बंद रहेगा, कोई भी नहीं जाएगा। और अभी रात के समय भी मूवमेंट बिल्कुल बंद है, लेकिन जर्नल बस स्टैंड में किस तरह के विजुअल्स हैं वो भी हम आपको चल के दिखाते हैं। कई लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, यकीनन ये एकदम से जो ऑर्डर आया है एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिस से, ट्विटर से ये ट्वीट किया गया और उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये चीज़ अनाउंस कर दी कि रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। तो कई लोग जो बाहर आए हुए हैं वो लोग यकीनन फंस गए हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो भी करना है और एडमिनिस्ट्रेशन सख्त दिखेगी कल के दिन। और बिल्कुल ठीक आप देख सकते हैं जर्नल बस स्टैंड के बाहर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर एक जो गाड़ियाँ हैं वो जो ड्राइवर कश्मीर जाने वाले हैं यहीं से सुबह गाड़ियाँ भरते हैं, पैसेंजर्स को लेके जाते हैं। लेकिन बस स्टैंड के बाहर की क्या विजुअल्स हैं, बस स्टैंड के अंदर के कॉम्प्लेक्स की क्या विजुअल्स हैं वो मैं आपको दिखाते हैं। पुलिस वहाँ पर भी है, हर किसी को साफ तौर पर यही हिदायतें दी जा रही हैं कि एज पर जो ऑर्डर है उसे फॉलो किया जाए। ये आप देख सकते हैं बस स्टैंड है, जनरल बस स्टैंड का बिल्कुल बाहर का इलाका है, ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही दिखेंगे जो कि बाहर हैं। उसके अलावा जो आज शादियां हैं, जो फंक्शंस हैं, वहां पर जाने वाले बहुत लोगों की तादाद है, तो उनके लिए अगर आपके पास डिजिटल कार्ड है, पीडीएफ फाइल्स हैं, आप उसे पुलिसकर्मियों को दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कार्ड्स हैं वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन है, ये जनरल बस स्टैंड की एंट्री है, यहीं से लोग बैठते हैं और गाड़ियां भी भरी जाती हैं, यहां से जलती हैं कश्मीर के लिए। कई लोग यहां पर हैं, आवाज़ें भी दे रहे हैं, हालांकि इनको क्या इस बारे में जानकारी है कि कल कंप्लीट लॉकडाउन है, ये यकीनन जानना बहुत ज़रूरी है। आपने कहां जाना है आप? नहीं, मैं तो ट्रैवल एजेंट हूं, मतलब यहीं पे यहीं का हूं, जम्मू का ही हूं। जम्मू का ही हूं, तो कल कंप्लीट लॉकडाउन है तो क्या कश्मीर की ओर गाड़ियां जाएंगी? आपके लिए कोई मैसेज इस तरह का आया कि कल गाड़ियां भरनी है, पैसेंजर जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ? हम तो यही चाहते हैं कि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अगर जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं वो अगर कश्मीर के लिए जाते हैं तो मैं कहता हूँ अपने अपने घरों में सभी पहुँच जाएंगे, अपना जिसने दिल्ली जाना है या कहीं भी जाना है वो अपने अपने परिवार के पास पहुंच जाए अपना। लेकिन सरकार ने एक दिन का, कल का पूरा दिन ही कर्फ्यू रखा गया जी, है जी, जी। तो अगर वो मूवमेंट रहेगी तो वो कहीं ना रिस्ट्रिक्शंस की वायलेशन होगी, वो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो लोग फंस गए। आप लगते हैं लोग फंसे हुए हैं इस समय, जो अगर बाय द वे कल नहीं अगर उनको जाने दिया गया तो वो कहां जाएंगे? जितने भी लोग पैसेंजर हैं अपना बाहर जाने वाले या कश्मीर जाने वाले सभी होटलों में रुके हुए हैं, जब उनको पता लगा कल बंद हो जाने वाला है तो अभी तो उनको गाड़ियां नहीं मिल रही हैं अपना, ना श्रीनगर जा रही हैं। हम तो चाहते हैं जो जो लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि यहाँ से उनको निकाल दें अपना। अब लॉकडाउन का कोई पता नहीं है, ये बोल रहे हैं संडे को बंद रहेगा, तो मेरे को ये पता है ये भी हो पॉसिबल हो सकता है जैसे इन्होंने पहले किया कि लॉकडाउन मतलब संडे का बंद किया और पूरा बंद कर दिया इन्होंने अपना। हम तो चाहते यही है जो कश्मीरी भाई हैं या मतलब बाहर के लोग हैं टूरिस्ट वगैरह वो यहाँ से निकल जाएं अपना। जी जी, फंस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एकदम से ये ऑर्डर आया, शाम के वक्त ही ये ऑर्डर आया कि कल आज रात 8 बजे से कर्फ्यू, तो सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। तो कर्फ्यू का मतलब होता है कि कोई भी शख्स बाहर ना रहे। जी जी जी, जी। तो अगर ये काम होगा तो बेचारे जो गरीब बंदे हैं जिनको नहीं पता कि कल बंद है या क्या क्या नहीं है अपना, वो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। आप सभी लोग गाड़ी चलाते हैं? आप सभी सवारी हैं? आप सवारी हैं? तो ये एकदम से जब आपने ऑर्डर पढ़ा कि इसके बारे में कि कर्फ्यू है, कर्फ्यू मींस कि कोई बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, कल के दिन जम्मू ही रुकना पड़ेगा, तो आपके पास जगह है प्रॉपर रुकने की? नहीं सर, एक्चुअली हमारा होटल था ही, जैसे ही ऑर्डर आया कल कर्फ्यू रहेगा तो इसलिए हम आए भाग के, हमने सोचा अगर शायद घर पहुंचे, अगर कर्फ्यू बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे सर। मतलब आप कोशिश कर रहे हैं जाने की? गाड़ी में कोशिश कर रहे हैं घर जाने की, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही सर। गाड़ी नहीं मिल रही? नहीं सर, गाड़ी नहीं। आपने पूरी तरह आगे पीछे सब बस स्टैंड में पता सर, ऊपर नीचे सब जगह देखा लेकिन मिला नहीं। एक्चुअली हम रात को ही गए थे लेकिन नागरोटे से उन लोगों ने गाड़ियां नहीं छोड़ी है, तो फिर वापस आना पड़ा और कल से कर्फ्यू है सर। साफ तौर पर ये तमाम लोग जो है ये जनरल बस स्टैंड में लोग हैं और फंसे हुए लोग भी हैं, कहीं ने कश्मीर घाटी की तरफ जाना था, कहीं ने अलग जगहों पे जाना था, लेकिन अब गाड़ियां नहीं मिलेंगी। और यहां पर जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिस टीम है, वो यहां पे भी लोगों को हिदायतें देती हुई कि कर्फ्यू लग चुका है, आप लोग जहां अपने होटल्स लिए हैं, जहां भी आप पर रुकने की जगह है आप वहां जाके रुकिए, बाहर सड़कों पे नहीं रहना है। तो सन्नाटा पसरा हुआ है जनरल बस स्टैंड का है, थोड़ा अंदर की ओर भी चलते हैं, वहां देखते हैं किस तरह के विजुअल हैं। लेकिन फिलहाल यहां से कोई गाड़ी मूव नहीं कर रही है, ना ही कोई पैसेंजर्स को बिठा रहा है, ना ही कोई बुकिंग हो रही है, क्योंकि इस चीज़ का अंदेशा हर किसी को था
कि सरकार ने जिस तरह से ऑल्टरनेट डेज पे दुकानें खोलने की बात की, उसके बाद कुछ मार्केट एसोसिएशंस ने वीकेंड लॉकडाउन वॉलंटियरली ले लिया, तो सरकार ने इतवार के लिए साफ तौर पर ये अनाउंस कर दिया कि कर्फ्यू रहेगा और ये कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक मंडे तक ये ऑब्जर्व किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि ये स्ट्रिक्टली यहाँ पर इसको फॉलो करवाया जाए, जो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं उन्हें घूमने ना दिया जाए। तो फिलहाल 8 बज चुके हैं, तमाम मार्केट्स अलग अलग जगह सभी जगह जो बंद हैं, चाहे हम रूरल एरिया की बात करें या फिर अर्बन एरियाज की बात करें, म्यूनसिपल लिमिट्स की बात करें, बंद हैं। वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, कई लोग यहाँ पर हमें बैग्स के साथ दिख रहे हैं जो कि बैग ले उठाया हुआ है उन्होंने, उनसे भी पूछते हैं कि क्या वो कहाँ जाना है आप, उन्होंने सर आपने कहाँ जाना है, आप कहाँ जाने के लिए जा रहे हैं? भगवती नगर। भगवती नगर लोकल है आप? अच्छा लोकल है आप, बाहर से आए हैं कहीं से? मैं श्रीनगर से आया हूँ। श्रीनगर से आए हैं, तो आप वहाँ से आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? सर बहुत जाम है वहाँ पे, जाम ट्रैफिक मैस है। हाँ जी हाँ जी, ट्रैफिक मैस है। यही लोकल ही है जिन्होंने, उसके अलावा कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर भी हैं जो कि अभी से बाहर से आ रही हैं, जो जम्मू पहुंच रही हैं, तो वो लोग कश्मीर से जो आ रहे हैं वो गाड़ियों में इनको लेके आ रही हैं। अब यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, कि ऑलरेडी आज 4th दिन था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है, लोग पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनको मुश्किल आ रही है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिलहाल नाइट कर्फ्यू और उसके साथ ही जो संडे का कर्फ्यू है, वीकली लॉकडाउन, वो लग चुका है और ये सुबह 6 बजे तक चलेगा सोमवार तक। कल भी शादियां हैं, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वेडिंग्स अटेंड करनी है, सीमित मात्रा में कोविड SOPs को फॉलो करते हुए जाएं। आप लोग ने कहाँ जाना है? आप घर जा रहे हैं? आपको पता है कर्फ्यू लग गया हुआ है, उसके इसीलिए निकल रहे हैं लोग? तमाम लोगों को पता है कि कर्फ्यू ऑलमोस्ट लगा हुआ है, तो अब बंद करके अपनी बिजनेस यूनिट जो भी है, जो भी अपना काम काज है, उसे बंद करके वो लोग निकल रहे हैं। लेकिन वेडिंग्स की बात है, मैं तमाम ये लोगों को बता दूं, अगर कल लोग वेडिंग्स अटेंड करने जाते हैं तो वो कोविड SOPs का फॉलो करते हुए जाएं। सबसे बड़ी बात, अगर उन्हें रास्ते में पुलिस रोकती है तो वो अपना वेडिंग कार्ड जो है, चाहे वो PDF फाइल है या फिर वो उसकी हार्ड कॉपी है, वो दिखा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, लिमिटेड लोग होने चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए गाड़ियों में, जिस तरह से 2 से 3 लोग ही होने चाहिए, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका वायलेशन हो, उसका भी खास ख्याल रखना है। उसके अलावा छोटे बच्चे हैं, उनको मास्क ज़रूर पहनाना है। बहुत ज़्यादा ऐसे विजुअल देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग हैं वो बच्चों को मास्क नहीं पहनाते हैं, या बच्चे मास्क नीचे कर देते हैं, वो ख्याल नहीं रखते हैं कि बच्चे किस तरह से, क्या वो मास्क पहने रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखें। और दूसरी बात, कल बेवजह बाहर नहीं घूमना है। अगर कोई लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर निकलते हैं, तो उनको कड़ाई से पुलिस पूछेगी और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो पुलिस अपने तौर पर जो भी उन्हें एक्शन लेना होगा वो लेगी, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो भी निर्णय एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए हैं उसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तमाम मेन चौक चौराहों पर इस तरह से बैरिकेटिंग आज रात से ही हो जाएगी, कल पूरे दिन इस तरह की बैरिकेटिंग रहेगी, जो गाड़ियों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, बंद रहेंगी, वो मूव नहीं कर सकेंगी, और मार्केट्स तमाम बंद रहेंगी, सिर्फ असेंशियली असेंशियल सर्विसेज जिसमें कि मेडिसन आती हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स आते हैं या फिर मीट शॉप्स आती हैं, उसके अलावा सब्जी की दुकानें, ये सब हो गई, और कोई भी जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। बाज़ार बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वैसे ही बंद है। तो ये पूरी तरह से कहें कि ये कर्फ्यू है जो आज रात 8 बजे लग चुका है, सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। ब्रजेश शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।